ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए। कुछ तल्ख कुछ हसीन यादों के साथ 2018 रुखसत, 2019 वेलकम। वतन अजीज के हर फर्द को नए साल में बेहतरी की तवक्कुआत। अहलियान लाहौर को लाहौर न्यूज की जानिब से नया साल। रंगो नूर रोशनियां हर सु नए साल की खुशियां। आओ नए साल में नफरतें मिटा दें, शहर को जन्नत बना दें। नए साल की आमद पर शहर भर में जश्न का समा। बैरिया टाउन में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान पर रंगो नूर की बरसात। पुलिस नए साल में दफा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। न्यू ईयर नाइट पर गुलशन रावी के इलाका में हवाई फायरिंग। फायरिंग की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई। नवन बिलिंग हवाई फायरिंग और ना होगी सरेआम आतिशबाजी। पुलिस ने नए साल के जश्न पर हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। मनचलों को रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कड़ा पहरा। 10,000 अहलकार ड्यूटी पर मामूर। नए साल का पहला मुकदमा दर्ज। शहर में 2019 का पहला मुकदमा सांदा थाने में दर्ज कर लिया गया। मुलजिम वकास के खिलाफ मुकदमा नाजायज असले की दफा के तहत दर्ज किया गया, जबकि साल 2018 का आखिरी मुकदमा थाना टाउनशिप में दर्ज। आला सहाफत इकदार की पासदारी, साल 2019 में भी रहेगी जारी। अवाम के मसाइल उजागर करने वाला अवामी चैनल लाहौर न्यूज 2018 में सहाफत के हर मैदान में सबसे आगे रहा। म्यारे साहब समेत कब्रस्तानों से गैर कानूनी आहतों की मिसमारी। 56 कंपनी स्कैंडल, पैरागॉन सबमिशन ब्यूटीफुल लाहौर तक। साफ पानी तजावजात, हस्पताल की हालत इजार हो या LWMC मेगा स्कैंडल हो, आम इंतखाबात की बेहतरीन कवरेज पर बेहतरीन चैनल का एजाज भी ले उड़ा। साल भर अवाम के बुनियादी हकूक का चर्चा, अदालतों और ऐवानों में हुआ तस्करा। अवाम की आवाज लाहौर न्यूज का एजाज नए साल में भी खिदमत का आज़म। नए साल की पहली खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 4.86 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 4.26 रुपए फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 52 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 90 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 106 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। दोबारा मौजें, फिर से छुट्टियां। सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा के तातीलात में इजाफा कर दिया गया। स्कूल अब 7 जनवरी को खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब ने ऐलान कर दिया छुट्टियों में इजाफा, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस किया गया। वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। अनफॉर्चुनेटली खुले मसालों में अडल्ट्रेशन जो थी वो इतनी ज्यादा हो रही थी कि उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी ट्रेसेबिलिटी क्रिएट करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और ये बात आप मेरा ख्याल है ख़ुद भी समझते हैं कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो ये उस कीमत के अंदर शामिल होता है, ये एतमाद कि आप वो चीज़ ही ख़रीद रहे हैं, कुछ और नहीं ख़रीद रहे हैं। इंसानी सेहत अहम, खुले मसालों की फरोख्त का सिलसिला खत्म। आज से पैकिंग के बगैर मसाला जात की फरोख्त पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना होगा। माल जब्त करने के अलावा लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। पैकिंग पर जुमला तफसीलात दर्ज करना भी लाजिम करार। 1 जनवरी से कोई खुले मसाले नहीं बेच सकेगा। DG फूड अथॉरिटी, पैकिंग का इकदाम दुरुस्त मगर मयार पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। शहरी सरकारी डॉक्टरों की मौजें, अस्पताल डॉक्टर्स और मुलाजमीन को प्राइवेट पर प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई। महकमा सेहत ने तरमीमी एक्ट 2018 मंजूरी के लिए भिजवा दिया। मेडिकल जामियात में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तायुनाती लाजिम करार। मुसव्वदा की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। और जौहर टाउन में खोखर पैलेस समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात का मामला। एंटी करप्शन ने खोखर बरादरान को आज पूछगिछ के लिए बुला लिया। सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर और शफी खोखर को आज सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत।